सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की सुनो फ्रेंड्स, बताने वाला आपने सुनाएगा फिनसेल ऐप के बारे में। फिनसेल एप्लीकेशन एक शानदार एप्लीकेशन, यहाँ पे बैंक अकाउंट को ऐड करके यहाँ पे बैंक अकाउंट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बैंक अकाउंट को ऐड करके यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी तरह का यहाँ पे बिजली बिल पे कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। ये बहुत सारी फैसिलिटी आपको फिनसेल एप्लीकेशन में मिल जाती है। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, आप फिनसेल एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ को आप कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, आज की सुनो पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने छोटे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल पर, चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से फिनसेल पे एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना। पहले से मैंने इंस्टॉल करके रखा है। अगर ये एप्लीकेशन डाउनलोडिंग के बाद के आने के थे, यानी कि 10 मिनट, यानी कि इंडिया में यानी कि 1 करोड़ आदमी इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसकी राइटिंग, यहाँ पे राइटिंग इसकी दे दी है, यहाँ पे रेटिंग इसके दिया हुआ। चलिए यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके सर डायरेक्ट इसको ओपन कर लेना पड़ेगा। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का डैशबोर्ड यहाँ पे खुल गया, क्योंकि यहाँ से पहले से मैंने ये एप्लीकेशन को यहाँ पे साइनअप करके रखा है। और सबसे पहले एप्लीकेशन को साइनअप करेंगे तभी आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड यहाँ पे खोलने के लिए, जो जो वहाँ पर प्रूफ आपको मांगता है साइनअप करने के समय में, वो सारी प्रूफ आपको यहाँ पर दे देना है, तभी ये एप्लीकेशन को आप साइनअप सही तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि एप्लीकेशन को मैं पहले से मैंने साइनअप करके रख दिया यहाँ पर, तब मेरे पास इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड खुद देखने के लिए हमको मिला। देखिए यहाँ पे आप क्या क्या फैसिलिटी को यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट में सबसे पहले पे के ऑप्शन पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे स्कैन के द्वारा किसी को पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड द्वारा, यहाँ पे टू कॉन्टैक्ट यानी किसी कॉन्टैक्ट के द्वारा यहाँ पे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, पे टू यानी किसी के अकाउंट नंबर से यहाँ पे पैसा पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे टू यू यानी कि किसी के UPI ID से यहाँ पे इसको पैसा सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पे टू सेल्फ, यहाँ पे बैंक अकाउंट को इस पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज मनी, अगर यहाँ पे टू सेल्फ करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट को यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से मेरा एक बैंक अकाउंट है, यहाँ पे ऐड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर दोबारा आप यहाँ पे और भी यहाँ बैंक ऐड करना चाहिए, यहाँ पे आपको देखिए प्लस के आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरे बैंक के आपको यहाँ पे लिस्ट खुल के आ जाएगा। यहाँ देखिए यदि जितने भी बैंक है इंडिया के अंदर में, सारे बैंक यहाँ पर आपको लिस्ट आ जाएगी। चलिए और भी चीज़ यहाँ मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पर बैक आने के बाद इस तरह अगर डैशबोर्ड आपके यहाँ देखिए, यहाँ देखिए स्कैन करके किसी को पैसा सेंड कर सकते हैं। पे टू कॉन्टैक्ट के द्वारा क्लिक करें, यहाँ पे किसी कॉन्टैक्ट के द्वारा यहाँ पे आप किसी को पैसा सेंड करें। प्रोसीड पे क्लिक करें, वहाँ पे इसका नंबर आ जाएगा, इसके नंबर के द्वारा यहाँ पर किसी को पैसा आप सेंड आसानी तरीके से कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आप बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो बैलेंस पे क्लिक करें, इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास खुल कर आ जाएगा। आपके अकाउंट में कितना बैलेंस, वहाँ से आप जो आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करा है उस अकाउंट का बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो यहाँ व्यू बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका फ़ोनपे में UPI ID सेट करके रखे वही UPI ID यहाँ पर आपको टाइप करना, वो सिंपली से आपके पास जितना बैलेंस रहेगा वहाँ ऑटोमेटिकली से यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए 3002 रुपीज़ मेरे अकाउंट में वो ऑटोमेटिक बैलेंस यहाँ पे शो हो चुका। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन, आपने कितना ट्रांजेक्शन करा उस ट्रांजेक्शन की डिटेल्स यहाँ पे आप चेक करें। आपने किसको किसको कितना टका आपने यहाँ पे सेंड करा वो सारी डिटेल्स यहाँ पे माई ट्रांजेक्शन, यानी कि मैंने अभी यहाँ पे नो ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन मैंने ये एप्लीकेशन अभी नहीं करा, यहाँ पर ट्रांजेक्शन शो नहीं करा। देखिए आप मोबाइल पोस्टपेड, यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज आप कर सकते हैं किसी का भी, कोई सा भी यहाँ पर कोई सा भी सिम का मोबाइल रिचार्ज यहाँ पर आसानी तरीके से करें। मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर, जो भी सिम वो सिलेक्ट करना, यहाँ पे इसका रिचार्ज आसानी तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए क्लोज मनी के, यहाँ से आप क्लोज मनी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिल पेमेंट, बिल पेमेंट पे कहीं आते बहुत सारे यहाँ पे किसी तरह का यहाँ पे बिल आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। पूरी यहाँ पर लिस्ट खोल के दिया गया, मोबाइल पोस्टपेड DTH रिचार्ज यहाँ पर, ये सब फास्टैग यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन या इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज यहाँ पर, ये सारे होटल, ये सब सारे यहाँ पे, वाटर का देखिए इस तरह का यहाँ पे आप बिजली बिल यहाँ पे कर सकते हैं, टैक्स यहाँ पे कर सकते हैं, इंश्योरेंस यहाँ पे देखें, ये सब आपको म्यूचुअल फंड, ये सब सर्विस आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन मिल जाती है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज यहाँ पे, DTH रिचार्ज, ये सारी सर्विस आपको फिनसेल ऐप के बारे में आपको मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे बात करें, फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं यहाँ पे, बस का टिकट, ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रेन पे क्लिक करें, यहाँ पे जो जहाँ से आप ट्रेवल करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे, सारे स्टेशन के वहाँ पे जितने भी ट्रेन खाली रहेगी सारी लिस्ट आपके पास खुल कर आ जाएगी। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, आप कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करना चाहते हैं वो डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे, जितनी भी ट्रेन खाली रहेगी वो यहाँ पे लिस्ट इसके खोल कर आ जाएगी। और चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी के बारे में। अब देखिए ये सारी फैसिलिटी मैंने बात कर ली। अब देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में क्लिक करेंगे तो म्यूचुअल फंड की यहाँ पर डिटेल्स आपके पास खुल कर आ जाएगी। अब चलिए यहाँ पर मी के ऑप्शन पर, मी के ऑप्शन पर देखिए यहाँ पर आपका जो यहाँ पर UPI ID रहेगा वो UPI ID यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे मैनेज अकाउंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अकाउंट को यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हैं।
और नीचे में देखिए यहाँ पे आप साइन आउट कर सकते हैं, यानी कि अकाउंट को साइन आउट कर सकते हैं, यानी कि साइन आउट यहाँ पे अकाउंट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इससे सिक्योरिटी यहाँ पे एप्लीकेशन में सिक्योर कर सकते हैं, कोई पैटर्न यहाँ पे लगा सकते हैं, वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। वहाँ पे देखिए क्यू आर कोड स्कैन करके किसी को पेमेंट आप ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे यू पी आई डी की, यहाँ यू पी आई डी आप क्रिएट कर सकते हैं कि यू पी आई डी किसी को स्कैन करके आप पैसा यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। यू पी आई डी यहाँ की हो गई। अब चलिए बात कर लेते हैं, देखिए यू पी आई डी सेटिंग, यहाँ पे यू पी आई डी देखिए यू पी आई लिंक बैंक अकाउंट, यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट का यहाँ पे आप यू पी आई डी बनाना चाहिए वो बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड करेंगे, इसका यू पी आई डी यहाँ पे बिल्कुल आसानी तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। और चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं बहुत सारे, देखिए फिनसेल सपोर्ट, यहाँ पे आप फिनसेल में कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पे इसका सपोर्ट नंबर रहता है, ईमेल रहता है, इससे आप सपोर्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, चलिए बैक आ जाते हैं। ये सब फैसिलिटी आपको यहाँ पे फिनसेल एप्लीकेशन में आपको मिल जाती है देखने के लिए, मैंने आप लोग को नहीं बताया। देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको और यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर इस एप्लीकेशन के द्वारा आप यहाँ पर होटल भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे होटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुल कर आ जाएगी। थोड़ा यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, क्योंकि नेट मेरा यहाँ पे स्लो चल रहा है इसलिए लोडिंग है नहीं ले पा रहा, थोड़ा लेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप होटल को बुक कर सकती है, देखिए अब देखिए यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ पर आप किस डेट को यहाँ पे होटल बुक करना चाहते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे, सारे यहाँ पे होटल की लिस्ट आ जाएगी, जो भी होटल बुक करना चाहते हैं प्राइस और जितना प्राइस रहेगा सारा सिस्टम उसी में लिखा रहेगा, उस रूम में क्या एसी है, क्या क्या फैसिलिटी रूम के अंदर में, सारी फैसिलिटी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ से आसानी तरीके से आप यहाँ पर होटल बुक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारा आपको यहाँ पर फीचर आपको मिल जाएगा यहाँ देखने के लिए फिनसेल ऐप में। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो एक तरीका मैं आपको और दिखाया था, यहाँ पे पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप किस तरह से किसी को बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे वो सिस्टम मैं आपको बताया। यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट पे क्लिक करें, देखिए आप किसी को बेनिफिशियरी के पैसा भेजना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेनिफिशियरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप इसको बार बार पैसा आपको बार बार इसको पैसा सेंड करेंगे, आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर नेम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेनिफिशियरी ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड। चलिए यहाँ पर मैं इस पे यहाँ पे ऐसे आईएफएससी कोड प्लस पे क्लिक करें, देखिए आप जिसको पैसा सेंड करना चाहते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे होल्डर इसका नाम डालना है, यहाँ पे जिस व्यक्ति के नाम से अकाउंट इसका नाम डालना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना, ये अकाउंट नंबर कन्फर्म डालना ताकि अकाउंट नंबर कन्फर्म हो जाए, यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना, ए डम्स को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर इसको पेमेंट कर सकते, आपका यह पैसा उसी बैंक अकाउंट से कटेगा जो आपने फिनसेल ऐप में यहाँ पर लिंक करा, उसी बैंक अकाउंट से आप डायरेक्ट पैसा कट के उस बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये है यहाँ पर पैसा भेजने का सबसे आसान तरीका। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आप किसी को यू पी आई डी के थ्रू पैसा किससे भेजें, यू पी आई डी टू पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे किसी को आप यू पी आई डी के थ्रू यहाँ पे पैसा भेज सकते हैं, यानी कि जिस भी व्यक्ति को आप पैसा भेजना चाहते हैं उसका यू पी आई डी यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो अपने फिनसेल ऐप में बैंक अकाउंट करा उसी बैंक अकाउंट से आपका पैसा कट कर उस व्यक्ति के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये है यहाँ पर पैसा भेजने का आसान तरीका। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया, अगर वीडियो अगर पसंद हो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट कर आप नीचे पूछ सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा चैनल पे।